मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है, 2018 का जो है ये मॉडल है, 2010 का ये मॉडल है और आप लोग की गाड़ी जो है वो निकाल ली है, ढूंढ के चलें जी। तो कोरे भी हम लोग के पास मौजूद है, 2006 के 12वें महीने की जो है। आपके सब्सक्राइबर थे जो लेके गए, नहीं करें हमारे सब्सक्राइबर थे यार, देखो आप लोगों की मोहब्बत है, ऐसे गाड़ियां जो है सेल हो रही होती हैं। चलें, चंगन कार्बन प्लस अभी हम लोग के पास मौजूद है, 2021 का मॉडल है। तो एक पास मौजूद है सिविक प्रोस्मेटिक्स 2003 का जो है ये मॉडल है। तो हमारे 2003-2007 की विट्स अभी हम लोग को जो है वो मिल गई है। तो हमारे विट 2013-2018 की हाईजेट अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो जो भी हमारे हजरात, बलिनो अभी हम लोग के पास मौजूद है 2005 का मॉडल। तो भाई जो भी हमारे हजरात है जिन्होंने बोला था ऐसा भाई बलिनो जो है वो ऐड कर दीजिएगा। सो शरार्ड अभी हम लोग को मिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन शाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई सबसे पहले जो है वो मार्केट आज हम पहुँच चुके हैं और मार्केट की कंडीशन अभी ये है कि भाई अभी टाइम हुआ है तकरीबन 1:30 का, यानी कि 1:30 बजे का टाइम है और 1, 2, 3 यानी कि हाथ से मैं गाड़ियाँ जो है वो गिन सकता हूँ, तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सो जल्दी आने का मकसद यही था कि भाई सबकी रिक्वेस्ट पर जो है वो काम कर लिया है। कुछ गाड़ियाँ मुझे पुरानी भी खड़ी हुई दिख रही हैं, वो जैसे रेड वाली जो गाड़ी थी वो अभी तक सेल नहीं हुई है, वो अभी भी भाई आए हुए सेल करने। बाकी इंतजामिया जो है यहाँ पहुँच चुकी है, पूरा टेंट लगा हुआ आप लोगों को मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो सेटअप वगैरह कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा बात करें, एक शहजोर खड़ा हुआ मुझे जो है देख रहा है, तो हमारे शहजोर वाले भाई भी काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे हसन भाई शहजोर बना दें। बस ये कि यार उस परमिशन का थोड़ा सा इशू होता है शहजोर में, तो उसकी भी कोशिश करूँगा कि वो भी आज जो है बना दूँ। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को जो है वो आज जो है वो कोशिश ये करूँगा कि कम रेट की गाड़ियों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि हसन भाई जो है वो कम रेट की गाड़ियाँ बनाएं। तो यहाँ अगर पीछे मैं अपने आप लोगों को दिखाऊँ तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं, अभी काफ़ी सारे कस्टमर आए हुए हैं। ज़्यादातर वो लोग आए हुए हैं जिनको पता नहीं है कि भाई मार्केट की मेन टाइमिंग क्या है। तो भाई मेन जो टाइमिंग है वो है तकरीबन 3:30 से 4 बजे की जो है वो टाइमिंग है और इस टाइम पे जो है वो मार्केट लग जाती है। अभी तो खैर 2 बजे तक का टाइम जो होता है वो अपने क्रिकेट वाले लड़कों को दिया हुआ होता है, उनका हार्डबॉल का मैच वगैरह चल रहा होता है, यहाँ वो खत्म होता है तो फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो मार्केट लगना शुरू होती है। तो यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोग 2003-2007 की विट्स अभी हम लोग को जो है वो मिल गई है। तो हमारे विट्स नाजरीन थे जिन्होंने बोला था कि एहसन भाई विट्स मिले तो ज़रूर जो है वो ऐड कर लिएगा। सो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, गाड़ी ऊपर से जो है वो शावर्ड है। बाकी इसकी जो मजीद इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, जो गाड़ी के ऑनर हैं, जब उनसे बात करूंगा तो मैं आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। रिम वगैरह गाड़ी में अच्छे से जो है वो लगे हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, टायर वगैरह की कंडीशन भी जो है वो नॉर्मल लेके आप लोग चला सकते हैं। बाकी फ्रंट साइड पर लिप वगैरह इन्होंने डाल रखा हुआ, यानी कि बॉडी किटेड हुई हुई हल्की सी, साइड स्कर्ट्स वगैरह भी गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो चलते हैं, एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं गाड़ी का, गाड़ी आप लोगों को जो है दिखाते हैं। तो फ्रंट की बात करूं तो इसमें लाइट्स वगैरह आप लोग देख लें, लाइट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसमें कोई येलो शेड्स वगैरह आप लोगों को जो है वो गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रहे होंगे। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी के ऊपर जो है वो लगी हुई हैं। बाकी ड्राइविंग साइड में आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखाऊँ तो ड्राइविंग साइड से भी जो है वो गाड़ी आप लोग देख लें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। हल्के फुल्के जो बच्चों की शरारतों के जो स्क्रैच होते हैं वो हैं, बाकी उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल शाइन में आप लोगों को जो है वो अच्छी कंडीशन में जो है वो नज़र आ जाती है। और रिम नॉट आउट काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं इसके अंदर, रिम मुझे खुद भी जो है पसंद है, गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा सा जो है वो एक लुक दे रहे हैं गाड़ी को। बैक साइड पे आ चुके हैं गाड़ी की, तो बैक साइड पे अगर बात करें हम गाड़ी की लाइट्स की, तो दोनों लाइट्स गाड़ी की जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती हैं। और टॉप पे अगर बात करें तो इसके अंदर फिन वगैरह इन्होंने लगा रखा है, ऊपर फिन वगैरह लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैक से भी क्लियर है गाड़ी, यानी कि साफ़ सुथरी, ऊपर से शावर्ड ही है गाड़ी, वो तो भाई ने हमें जो है वो पहले ही बता दिया है। बाकी इसका इंटीरियर वगैरह भी हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं चल के कि भाई इंटीरियर वगैरह से गाड़ी जो है वो इन्होंने किस तरीके से रखी हुई है। बाकी इसके अलावा जो हमारे भाई देख रहे होते हैं वीडियो वो हमें बता दिया करें, अगर कोई सजेशन हुआ करे कि हसन भाई यहाँ से भी गाड़ी दिखाया करें तो वो फिर हम जो है वो अपनी वीडियो में ऐड कर लिया करेंगे। दरवाजे आप लोग चेक कर लें, डोरियाँ वगैरह गाड़ी की क्लियर आप लोग को यहाँ से जो है वो नज़र आ रही होंगी, साफ़ सुथरे हैं, यहाँ पर कोई रस्ट नहीं है। डोर पैनल्स की अगर बात करूँ, डोर पैनल्स आप लोग यहाँ से जो है वो गाड़ी के विजिट कर लें, साफ़ सुथरा है। नीचे प्रोजेक्शन ये जो दिखी हुई अपना टोयोटा वगैरह के आते हैं वो लगे हुए इसमें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बाकी अंदर आ जाते हैं, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह जो है वो आप लोग देख लें कंप्लीट है, यानी कि कोई चीज़ मिसिंग इसमें नज़र नहीं आ रही है। ऑटो ट्रांसमिशन, सीट्स वगैरह की अगर बात की जाए, आफ्टर मार्केट सीट कवर्स गाड़ी के अंदर मेनटेन है फैब्रिक वाले, ये आप लोग जो है वो देख लें अंदर से गाड़ी को। बाकी इसी तरीके से गाड़ी के पिलर्स में आप लोग को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखाऊं तो ये पूरा पिलर्स वगैरह आप लोग जो है वो गाड़ी के देखें, तो नो डाउट यहाँ से भी गाड़ी जो है इन्होंने साफ़ सुथरी रखी हुई है और कुछ ऐसा वो मुझे नज़र नहीं आया गाड़ी में अभी हाल फिलहाल। तो बाकी ये जाहिर सी बात है, बातचीत करेंगे तो और मज़ीद जो पूछ सकेंगे वो सारी चीज़ें जो है वो पूछेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग देख लें ऊपर वाली साइड से, यहाँ नीचे वाली साइड से देखें गाड़ी के, और इसी तरीके से जो है वो सारे कब्जे वगैरह देख लें गाड़ी के, दरवाज़ों की साइड है, यहाँ से भी डोरियाँ वगैरह आप लोगों को कंप्लीट क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी।
अब चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से मौजूद है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को जो है वो दिखा दें एक नज़र। सो सबसे पहले आप लोग फ्रंट से जो है वो देख लें, फ्रंट पट्टी वगैरह गाड़ी की जो है वो आप लोग देखें। इसके अलावा बात करें साइडों से, तो साइडें मैं पहले आप लोग को यहाँ से दिखा दूँ, और इसी तरीके से आप लोग गाड़ी की साइड दूसरी साइड से भी जो है वो देखें। गाड़ी के कुप्पे देख लेते हैं नज़दीक से भाई, तो कुप्पे वगैरह भी आप लोग यहाँ से जो है वो देखें। बैक की पूरी शील्ड मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, फायरवॉल जिसको बोलते हैं, और इसी तरीके से दूसरी साइड का गाड़ी का कुप्पा भी आप लोग यहाँ से देख लें। सो एक कम्प्लीटली व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो है वो दे दिया है, इंजन रूम वगैरह अच्छे से जो है वो दिखा दिया है, गाड़ी का इंटीरियर हो गया, बॉडी हो गई। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं इस गाड़ी की उन्होंने क्या डिमांड रखी है। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिलावर भाई जिनकी ये गाड़ी है। दिलावर भाई, गाड़ी तो हमने जो है वो दिखा दी है, 2003-2007 की विट्स अभी हम लोग के पास मौजूद है, कैसी गाड़ी है सर ये? सही गाड़ी है, मैं तो 3 साल से चला रहा हूँ, अच्छी गाड़ी है। 2-3 मरतबा क्वेटा लेके गया, लेके आया, गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, सिंध लेके गया शिकारपुर तक। ठीक है, अच्छा शावर आपने खुद ही करवाई है गाड़ी? नहीं नहीं, गाड़ी शावर थी मेरी। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिया, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी नहीं, का? नहीं कोई नहीं है सर। ठीक है, इंजन वगैरह अपना है इस गाड़ी का? हाँ अपना है। और एसी वगैरह इसका सब वर्किंग में, हर चीज वर्किंग में? ठीक है, अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं गाड़ी के जो पेपर होते हैं, CPLC होता है, टैक्स होता है, नंबर प्लेट होती है, सारी चीजें क्लियर है? बकाया है और गाड़ी क्लियर है। ठीक है, यानी कि CPLC वगैरह क्लियर है, फाइल वगैरह क्लियर है, आपके नाम पे ही है गाड़ी। ठीक है, क्या डिमांड रखी है सर आपने गाड़ी की? 14 लाख। 14 लाख, तो 14 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड है, इसमें कमी पेशी वगैरह हो जाएगी? खाता हो जाएगा, 20-30 हज़ार तो होता है ना। ठीक है, 20-30 हज़ार के थोड़ा और हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, 20-40 तक। तो देख लीजिएगा, भाई को कॉल कर लीजिएगा, और बहुत सारे लोग जो खाली डिमांड सुन के आगे बढ़ जाते हैं, भाई डिमांड सुन के नहीं, कॉल करा करें, बात करा करें, क्योंकि बात करने से ही बनती है, अच्छी डिमांड लगती है तो बंदा बातचीत जो है वो कर ही लेता है। और अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा खान साहब। नंबर शेयर करूँ? 0300 0300 333 338 380 633। सो ये जो है दिलावर भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कराची में कहाँ देख सकते हैं गाड़ी? कराची माड़ीपुर में। माड़ीपुर में, अच्छा एवरेज क्या करती है खान साहब ये गाड़ी? 1 लीटर में कोयटा तक 40 लीटर में गया, 40 लीटर 40 लीटर यहाँ से कोयटा 1 लीटर में तकरीबन कितना चला उसमें मीटर? अभी ये मालूमात नहीं है। अच्छा, ये आपको जो है वो इतना नहीं पता? 1000 CC है? 1000। चले, तो ये सारी गाड़ी की जो है वो डिटेल है, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई को कॉल कर लीजिएगा। चले, जजाक अल्लाह। बहुत मेरे पास मौजूद है सिविक प्रोस्मेटिक्स 2003 का जो है ये मॉडल है। तो हमारे जो भी हजरात है, जो काफ़ी सारे लोग लवर्स हैं सिविक के, उन लोगों के लिए ये गाड़ी है। गाड़ी आप लोग देख लें, गाड़ी के 4 पीस जो है वो गाड़ी के कलर बता रहे हैं, बाकी गाड़ी जो है इन्होंने जेन्युइन पे रखी हुई है। बाकी अभी मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जो गाड़ी के ऑनर हैं। तो गाड़ी आप लोगों को पहले दिखा देते हैं, फ्रंट पे इन्होंने लिप वगैरह डाला हुआ है, साइड के जो शेड्स वगैरह हैं इसके आप लोग जो है वो चेक कर लें, यहाँ पर आप ब्लैक हुआ हुआ है। बाकी इसके अलावा मैं ओवरऑल आप लोगों को एक व्यू जो है वो गाड़ी का दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो भाई ये हमारे इंतज़ामिया में होते हैं और सारी लाइनें यही सेट करवाते हैं। आपका नाम अंकल? निजाम भाई। चले निजाम भाई, आज हमारे व्यूवर्स ने भी आपसे मुलाकात कर ली। ठीक है, तो निजाम भाई के बटन शटर खुलवा के जरा। अच्छा, फिल्म बनवा लेके जाऊंगा मैं साथ। क्या ले भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मेरी नहीं बना, उसकी बना। अच्छा, उनकी तो बना ली। अरे मेरी नहीं बना। हाँ, ऐसा ना मैं तेरी फिल्म बनाना शुरू करूं। चले भाई, ये बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, गाड़ी की तरफ वापसी आ जाते हैं। तो साइडें वगैरह आप लोग देख लें, गाड़ी के बिल्कुल क्लियर हैं, इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई डेंट्स वगैरह जो है वो गाड़ी के ऊपर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे। बाकी इसी तरीके से जो है वो चलते हैं, एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग गाड़ी का, दूसरी साइड से भी गाड़ी में आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ। अच्छा, ग्रिल वगैरह की अगर बात करें हम लोग गाड़ी की फ्रंट की, तो ग्रिल वगैरह भी जो है वो इसमें चेंज है, स्पोर्ट्स वाली जो इन्होंने डाली हुई है, बाकी टिंट पेपर जो है वो चढ़े हुए हैं हेडलाइट्स पे, एक अच्छा गाड़ी को लुक देने के लिए। तो यहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। बॉस, ये दरवाज़ा बंद कीजिएगा, ये वाला गेट बंद करिएगा। तो ये देख लें आप लोग साइडों से गाड़ी को जो है वो एक नज़र देखें, कोई स्क्रैच कोई डेंट वगैरह जो है वो मुझे बेसिकली इतना कोई नज़र नहीं आ रहा। बाकी रिम वगैरह भी आप लोग जो है वो गाड़ी के देख लें, टायर्स वगैरह की अगर बात की जाए, टायर्स वगैरह की कंडीशन आप लोगों के सामने क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ कि बैक साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। सो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो देख लें, लाइटें वगैरह गाड़ी की जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, यानी कि नॉट आउट गाड़ी जो है इन्होंने बहुत अच्छे लुक में जो है वो रखी हुई है। बैक पे भी जो है इन्होंने लिप वगैरह डाला हुआ, यानी कि नीचे अलग से जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लेते हैं, गाड़ी का इंटीरियर से जो है वो गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। सो यहाँ से आप लोग जो है वो इंटर होते हैं गाड़ी के अंदर।
तो ये आप लोग साइडों के दरवाजे वगैरह जो है वो चेक करें, दरवाजे वगैरह गाड़ी के क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। नीचे हल्का फुल्का सा टचिंग वगैरह हुई हुई है तो वो आप लोगों के सामने यहाँ से जो है वो दिख जाती है। ओरिजिनल लोकल का फ़र्क अलग पता चल जाता है, तो ये आप लोग यहाँ से देखो। बाकी गाड़ी के डोर पैनल्स की बात करूँ, डोर पैनल्स गाड़ी के जो है वो क्लियर हैं। फुटपारियों की बात करें, फुटपारियाँ गाड़ी की क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। पिलर्स आप लोग जो है वो देख लें। सो नॉट ऑफ डिटेलिंग भाई काफ़ी अच्छी सी जो इन्होंने कर रखी है गाड़ी के अंदर। अंदर मैटिंग वगैरह अच्छी सी हुई हुई है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ, फैब्रिक वाली सीट्स हैं गाड़ी के अंदर और बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है इन्होंने अंदर का माहौल रखा हुआ। अच्छी सी एक स्मेल गाड़ी के अंदर जो है वो आ रही है मुझे। बाकी ऑटो ट्रांसमिशन है तो बहुत सारे लोग जो पूछ लेते हैं, मैंने शुरू में प्रोस्मेटिक बता दिया था आप लोगों को, तो ऑटोमेटिक जो है ये गाड़ी है। बाकी ओवरऑल तो दिखा दिए, बैक साइड का डोर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इंजन जो है वो चेक कर लेंगे कि इंजन रूम कैसा है गाड़ी का। यहाँ से आप लोग ऊपर से देखें, पिलर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो देखें, नीचे की साइड है वगैरह आप लोग देख लें, इसी तरीके से यहाँ से जो है वो गाड़ी को देखें। तो कोशिश मेरी भाई हमेशा यही होती है कि भाई गाड़ी का हर कोना कोना जो हो सके वो अच्छे से आप लोगों को दिखा दूँ, और जितना जल्दी हो सके जो है वो दिखा दूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और जिनको लेनी हो वो जो है वो रابطہ कर लें। सो गाड़ी बॉडी वाइज और इंटीरियर से मैंने आप लोगों को दिखाई, इसका इंजन रूम हम लोग देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें। सबसे पहले फ्रंट की साइडें वगैरह जो है वो देखें। बाकी इसके अलावा हम लोग बात करें गाड़ी के कुप्पों वगैरह की, कुप्पे आप लोग यहाँ से जो है वो चेक कर लें। यहाँ पर टिकली वगैरह लगी हुई है। बैक की शील्ड वगैरह की बात करूँ, बैक की शील्ड जो है वो गाड़ी की क्लियर है। दूसरी साइड का भी कुप्पा जो है यहाँ से क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा। तो नॉट आउट इंजन रूम भी जो है वो काफ़ी अच्छा सा मेंटेन है। यहाँ गाने वगैरह चल रहे हैं तो हम चलते हैं, थोड़ा सा जो गाड़ी का ऑनर है उनसे बातचीत कर लेते हैं और मजीद मालूम है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं दोस्त मोहम्मद भाई और अब्दुल बासित साहब, दोनों जो है वो भाई मिलके मुझे जो है वो इंटरव्यू देने वाले हैं गाड़ी का। सर 2003 की जो है ये गाड़ी है, होंडा सिविक प्रोस्मेटिक, कैसी गाड़ी है सर ये चलने में? यार बिल्कुल कम्फर्टेबल गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। गाड़ी में नो डाउट बिल्कुल दूर पे की भी काम नहीं छोड़ा है। सनरूफ एडिशन है, 2003 मॉडल है गाड़ी, आपके सामने रिम टायर भी लगी हुई, 1 रुपये का खर्चा भी गाड़ी में नहीं छोड़ा है। जहाँ तक हमारा वस है इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल जो है 1 रुपये का खर्चा भी नहीं छोड़ा है गाड़ी में। ठीक है, यानी कि आपने अपने हिसाब से जो है वो सारे काम कर रहे हैं, बताएं सर। इसकी फ्यूल माइलेज 1 लीटर में 15 किलोमीटर दे रही है। ठीक है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जो है चल रही है। और कितना सीसी है सर ये? 1500 सीसी जो है ये गाड़ी है। तो एवरेज वगैरह भी यानी कि गाड़ी का जो है अच्छा, AC हर चीज़ जो है वो चले गाड़ी की? सब कुछ ओके है सर, कोई एरर लाइट नहीं है गाड़ी के अंदर, कुछ भी डाउट नहीं है गाड़ी में। CPLC टैक्स नंबर प्लेट सब कुछ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, नंबर प्लेट्स अभी आपने ओरिजिनल वाली लगी हुई है? नहीं नहीं, ये लोकल है, लोकल है जी सर। ठीक है, तो ओरिजिनल आपके पास जो है वो मेरे पास ही है जी सर। और अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ सर, डिमांड क्या रखी है आपने गाड़ी? यार डिमांड हम लोगों ने 13.5 रखी है, तो 13.5 में कमी पेशी है इंशाल्लाह। ठीक है, 13.5 लाख रुपए गाड़ी की जो है वो डिमांड रखी है, लेकिन ये कि इसमें कमी पेशी वगैरह है? पेशी बिल्कुल है, लेकिन अच्छी कमी पेशी है ना? बिल्कुल, जहाँ तक देखेंगे कोई कस्टमर आ जाता है अगर उसने अपना ऑफर दे दिया, मैं समझ क्योंकि रेट थोड़े से आपने मुझे ज़्यादा बताया, रेट जो है वो थोड़े ज्यादा है, तो के कमी वगैरह करेंगे तो डिपेंड करता है ना, कस्टमर आ जाए तो आपने ऑफर दे दी फिर इंशाल्लाह बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई देख लें आप, डिमांड से नहीं घबराया करें, अपनी अच्छी जो ऑफर हो अच्छी ऑफर दिया करें। अब ऐसा भी नहीं है कि उसके 6 लाख रुपए लगा दें गाड़ी के, भाई ये वाली कहानी नहीं करा करें। अच्छे रेट जो लगाएगा ऐसी बात है, फिर बंदा बातचीत करता है तो आप इसमें बात जो है वो बन जाती है। सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा जी, 0305276 1718। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है। कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी हम लोग? कराची में कौन से गए थे? डिफेंस फेस्ट में। ठीक है, जूस वाला ठीक है, तो मास्टर का जूस वाला नहीं है वहाँ पर दिखा सकते ठीक हो गया। इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग जो है विजिट कर सकते हैं, शुक्रिया बहुत। चंगन कार्बन प्लस अभी हम लोग के पास मौजूद है, 2021 का मॉडल है। तो एक भाई हमारे काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये गाड़ी मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही थी मार्केट में, तो आज मुझे ये अच्छी गाड़ी जो है नज़र आई, तो मैंने बोला चलो यार ऐड कर लेते हैं। और अलग ही जो है वो खड़ी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यानी कि कोई स्क्रैच कोई डेंट वगैरह नहीं है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी पूरी जो है ये जेन्युइन है। प्लस इसकी जो है वो पार्क व्हील्स की इन्होंने इंस्पेक्शन भी जो है वो करवाई हुई है, 9.8 की जो है वो पार्क व्हील्स वालों ने इस गाड़ी को जो है वो रेटिंग दी है। बाकी ये कि जाहिर सी बात है जो गाड़ी के ऑनर हैं जब उनसे बात करेंगे तो और मजीद डिटेल्स वगैरह ले लेंगे। बाकी गाड़ी आप लोग देख लो, नॉट आउट गाड़ी, तो आप लोग को वैसे ही जो है वो लुक्स वगैरह में बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी। सो गाड़ी की आप लोगों ने बैक साइड देखी, गाड़ी की फ्रंट साइड पर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। सो फ्रंट से भी गाड़ी का लुक वगैरह आप लोग जो है वो देख लो। सो जो भी हमारे बड़ी फैमिली वाले खासतौर पर नाजरीन हैं जो बोलते हैं हसन भाई कोई ऐसी गाड़ी भी जो है वो ऐड कर दिया करें, हमारी फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा सीटर भी जो है वो ऐड करा करें, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें। बेसिकली 7 सीटर जो है ये गाड़ी होती है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो देखें, फ्रंट का एक लुक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें प्रोजेक्शन लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को प्लस में मिलती हैं। बाकी ये खड़ी हुई बराबर में भी, तो कोशिश करेंगे उसकी बना लें वाइट कलर में, तो ब्लैक एंड वाइट दोनों जो है वो आज ऐड हो जाएंगी। परमिशन पे डिपेंड करता है, जो लोग परमिशन दे देते हैं उनकी गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर लेता हूँ मैं। बाकी ये जाहिर सी बात है जिनकी परमिशन नहीं मिलती फिर वो ऐड नहीं कर पाते। टायर वगैरह भी गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, नॉर्मली व्हील कैप वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। सो
ये तो हो गई बॉडी वाइज बात गाड़ी की, पूरी बॉडी से मैंने गाड़ी जो है वो आप लोगों को दिखा दी है। अब चलते हैं ज़रा चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं कि भाई इंटीरियर से गाड़ी जो है इन्होंने किस तरीके से रखी हुई है। तो फ्रंट से हम लोग जो है वो इंटर हो जाते हैं ड्राइविंग साइड से। सो ये आप लोग दरवाजे वगैरह चेक करें भाई, कितने साफ़ सुथरे दरवाजे आप लोगों को मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कि समझ लें आप लोग नई जैसी गाड़ी वाला फील आ रहा है गेट खुलते ही गाड़ी का। नीचे की साइड है आप लोग जो है वो देखें, बिल्कुल साफ़ गाड़ी आप लोगों को यहाँ से जो है वो नज़र आ रही होगी। एंड्रॉयड पैनल गाड़ी के अंदर जो है वो इन्होंने इंस्टॉल करवाया हुआ है। डैशबोर्ड वगैरह की अगर हम लोग बात करें, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल क्लियर है, ऊपर मैट वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर डला हुआ है। आफ्टर मार्केट जो है वो सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर वाइट कलर में जो है इन्होंने पूरे यानी कि सिलवाए हुए हैं। बाकी आप लोग नीचे से भी देखने हैं मैटिंग वगैरह आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होगी। मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। सो बहुत सारे लोग हमारे ये बोलते हैं कैसे भाई मैनुअल और ऑटो को लाजमी बताया करें। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो है वो देख लें, बैक साइड का डोर खोल लेते हैं हम लोग गाड़ी का और बैक साइड से भी। अच्छा ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, ये चेक कर लें नट्स पे जो सील्स वगैरह होती हैं वो भी आप लोगों को लगी हुई अभी इस गाड़ी के अंदर नज़र आ रही होंगी। सो गाड़ी भाई बहुत अच्छे कैलिबर की, अगर किसी की रेंज बने तो भाई ये गाड़ी आप लोग ले सकते हो नॉट आउट। बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी इन्होंने जो है वो रखी हुई है। ये आप लोग जो है वो चेक कर लो गाड़ी के दरवाजे वगैरह, आप लोग सारी साइडें चेक करो, यानी कि कोई नटों वगैरह पे भी जो है वो अभी रस्ट वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर। बाकी इसी तरीके से सीट की जो सील्स वगैरह होती हैं ये आप लोग चेक कर लो, यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। बाकी दरवाज़ों के गत्ते वगैरह भी सारे इन्होंने जो है वो उसी तरीके से मैच करे हुए हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ी को जो है वो काफ़ी अच्छा सा जो है वो मेनटेन करा हुआ है इन्होंने गाड़ी को। अब चलते हैं चल के जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाई इस गाड़ी का क्या हिसाब किताब है और गाड़ी की इन्होंने क्या डिमांड रखी है। फ्रंट से नहीं दिखाई थी गाड़ी, यहाँ से भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें खोल के जो है वो एक नज़र दिखा दूँ। तो ये आप लोग साइडें चेक कर लें, फ्रंट की पट्टी जो है वो चेक कर लें, लॉक पट्टी वगैरह हो गई, बैक की शील्ड हो गई। तो ये दिखानी क्यों लाजमी होती हैं, ये जाहिर सी बात है अगर फ्रंट से कोई आगे पीछे होती हैं चीज़ें तो वो आप लोगों को यहाँ से जो है नज़र आ जाती हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो गाड़ी मुझे साफ़ सुथरी और क्लियर नज़र आ रही है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत करते हैं और मालूम करते हैं कि गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर भाई, ज़ुबैर भाई की जो है ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो नॉट आउट बहुत अच्छी कंडीशन में जो है आपने रखी हुई है, इंटीरियर वगैरह की बात करें या बॉडी की बात करें, बाकी आप मज़ीद डिटेल्स दें गाड़ी इंजन से, सस्पेंशन से, डॉक्यूमेंटेशन से, कैसी गाड़ी है सर ये? डॉक्यूमेंटेशन यार जाहिर सी बात है नई गाड़ी पूरी है सारी सही, और मैंने इंस्पेक्ट भी करवाई पार्क व्हील से। 9.8 इसकी रेटिंग है, 9.8 का तो ये मतलब है बिल्कुल जीरो जैसी गाड़ी है। इसलिए इंस्पेक्शन करवाई ताकि लोग फिर जो आते हैं सवाल दस करते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखा दें जान छूट जाती है। ठीक है, तो आपने इस वजह से भी जो है वो प्रेफर करा कि इंस्पेक्शन जो है वो करवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बेसिकली शोरूम से खुद निकलवाई थी या आपने परचेज करी? नहीं मैंने शोरूम से जीरो ही निकलवाई। ठीक है, आपके नाम पे ये सर ये गाड़ी? मेरे नाम पे गाड़ी। कितना चली हुई है सर ये गाड़ी अभी? 13,500। 13,500 तो भाई बिल्कुल न्यू जैसी गाड़ी है। 13,500 आप लोगों को पता है कोई माइलेज नहीं होता। बाकी एवरेज वगैरह की बात करें तो क्या एवरेज वगैरह करती है सिटी में? ये एवरेज देती है 11 से 12, 11 से 12 का एवरेज देती है इन सिटी, बाकी हाईवे पे तो थोड़ा और बेहतर हो जाता है। ठीक है, 11-12 का जो है वो सिटी में एवरेज देती है, बाकी हाईवे पे बेहतर हो जाता है। कितना सीसी गाड़ी है सर ये? 1000 सीसी, कार्गो इंजन है इसके अंदर। ठीक है, 1000 सीसी और कार्गो इंजन है। अब आ जाते हैं सर डिमांड के ऊपर, तो क्या आपने डिमांड मेरी 24 की है? 24 लाख रुपये। अच्छा, जब आपने निकलवाई थी कितने की बुकिंग चल रही थी इसके साथ? उस टाइम मुझे पड़ी थी ये 18.5 की। 18.5 की, लेकिन ये जाहिर सी बात है अभी तो मार्केट बहुत जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है। अभी आप देख लो नई गाड़ी की प्राइस निकालोगे आप विद रजिस्ट्रेशन आपको अराउंड 30-32 की पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हाल फिलहाल जो है वो 24 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 24 लाख रुपये सर जी। बाकी ये जाहिर सी बात है जो नेगोशिएट कमी पेशी वगैरह होगी जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो अच्छे से गाइड कर देंगे। सर अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 03422006937। ठीक है, कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? स्कीम 33 में। ठीक है, स्कीम 33 में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चले शुक्रिया बहुत बहुत काम भाई। सो इस गाड़ी का सुबह भी मैंने आप लोगों से जिक्र करा था तो ये भाई अभी आया, भाई ने बोला एसन भाई हमारी वीडियो जो है वो डाल दें। तो भाई मैंने ये बोला कि हम आपकी वीडियो तो डाल चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ कि भाई ये गाड़ी की डिमांड अंकल ने करी थी तकरीबन 8 लाख रुपये कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन आज मैंने बातचीत की अंकल बोल रहे हैं भाई 5.5 लाख रुपये मैं फाइनल दे दूंगा, अभी जो है वो यानी कि सेल करनी है थोड़ा जल्दी। तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लो लुक्स वगैरह, बाकी अगर पूरी डिटेल में देखनी हो गाड़ी तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है आप लोग जाके वो देख लेना, नहीं तो आप जब कॉल वॉल करेंगे तो और मजीद डिटेल जो है ये भाई आपको जो है वो दे देंगे। सर आपका नाम? हाँ नदीम नाम है बस। वालेकुम सलाम नदीम भाई की जो है ये गाड़ी है। नदीम भाई 5.5 फाइनल? जी हाँ 5.5 फाइनल। ठीक है नदीम भाई अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ नंबर आप ये शेयर सामने। अच्छा ये वाला फ्रंट पे जो लिखा हुआ है? जी जी जी। सो भाई ये नंबर जो है वो आप लोग देख लें, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और नदीम भाई से बातचीत कर लीजिएगा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू सर। सो कोरे भी हम लोग के पास मौजूद है, 2006 के 12वें महीने की जो है ये गाड़ी है। गाड़ी जो है वो आप लोग चेक करें और गाड़ी माशाल्लाह से नॉट आउट बहुत अच्छी जो है वो कंडीशन में है।
और रिम शिम गाड़ी के अंदर डले हुए हैं। गाड़ी जो है ये मुझे अंदर से भी काफ़ी पसंद आई, तो मैंने बोला चलो यार आप लोग के लिए ऐड कर दूं। जो हमारे हजरात थे, जो भाई थे, जो काफ़ी टाइम से कोरे की बोल रहे थे, तो भाई ये गाड़ी देख लेना, मुझे बताना आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी। तो चलते हैं भाई गाड़ी का जरा व्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। सो भाई हमारे आ गए सलाद वाले। सलाद भाई, भाई कैसे हैं आप? भाई भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कोई मसला तो नहीं है? हम बनाने गाड़ी की वीडियो। अच्छा जा रहे हैं आप? चलें भाई, सलाद वाले भाई को याद रखिएगा जब आए मार्केट। तो भाई फ्रेंड्स आप लोग चेक कर लो गाड़ी का लुक, दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो देख लो और बम्पर्स वगैरह इच एंड एवरीथिंग। गाड़ी जो है वो फ्रंट से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गाड़ी की पैसेंजर साइड की, तो यहाँ से भी गाड़ी आप लोग देखो सारी साइड वाइडें गाड़ी की जो है वो क्लियर आप लोगों को जो है मिल जाती है, यानी कि कोई स्क्रैच कोई डेंट्स वगैरह नहीं है। बाकी देखें 2006 का मॉडल है, उस हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी जो है इन्होंने अपने हिसाब से करके रखी हुई है। आप लोग यहाँ से गाड़ी की डिग्गी वगैरह भी चेक करो, ये सारी साइडें वगैरह जो है वो देखो, ऊपर से गाड़ी को जो है वो देखो, कोई रस्ट वगैरह आप लोगों को जो है वो गाड़ी के ऊपर नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आप लोग साइडें वाइडें देख लो, यहाँ से आप लोग सीले चेक कर लो गाड़ी की, ये सारी साइडें वगैरह देखो, गाड़ी जो है वो बिल्कुल साफ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और यहाँ तक कि जो लॉक वाला पैनल होता है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पर रस्ट आ जाती है, तो ये भी आप लोग देखो पूरा साफ करा हुआ है। अच्छा गाड़ी किसकी है मैं भी आपको एंड में बताऊँगा। आप लोग यहाँ नीचे से चेक करो गाड़ी, एक रस्ट का कोई निशान नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखें एक आध हो तो अब एक को नहीं देख लिएगा, ऐसा करें कोने में आएगा वो एक का जो है वो निशान देख लें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाड़ी बिल्कुल इन्होंने सेट जो है वो चमका के रखी हुई है। सीट कवर्स वगैरह सामने बिल्कुल अगर हम इसके देखें तो एंड्रॉइड पैनल भी जो है वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, पूरी गाड़ी अंदर से भी क्लियर है। चलते हैं ज़रा फ्रंट साइड से दरवाजे वगैरह खोल के हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। तो फ्रंट व्यू मैंने आप लोगों को बैक साइड से भी दिखा दिया था, यहाँ से मैं इंटर हो जाता हूँ दोबारा से। तो ये दरवाज़ों की साइडें वगैरह आप लोग चेक कर लो, इसी तरीके से आप लोग यहाँ से डोर पैनल देख लो, स्पीकर वगैरह फ्रंट साइड पे भी लगे हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एंड्रॉइड पैनल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बैक साइड से यहाँ पर लगा हुआ आप लोग को जो है वो मिल जाता है। बाकी सीट्स वगैरह की बात करें, सीट्स वगैरह आप लोग चेक कर लें, गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है इन्होंने रखी हुई है। बैक साइड का डोर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ, तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग देखें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें। बाकी इस तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ से साइडों की, तो ये भी क्लियर आप लोगों को जो है मिल जाता है। ऊपर की साइडों से अगर बात की जाए, ऊपर से भी गाड़ी जो है ये क्लियर है पिलर वगैरह से। चलते हैं आप चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस तरीके से रखी हुई है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो गाड़ी के इंजन रूम की तरफ आ जाते हैं, तो ये भी आप लोग जो है वो चेक करें, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख लें इंजन रूम भी गाड़ी का जो है वो साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है, सर्विसिंग वगैरह हुई हुई है, फ्रंट की पट्टी वगैरह गाड़ी की क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी इसी तरीके से कुप्पे वगैरह आप लोग नज़दीक से देख लो, तो नॉट आउट बिल्कुल कोई रस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं नज़र आ रही होगी आप लोगों को, बहुत केयर से रखी हुई। देखिए मॉडल तो पुराना है, लेकिन गाड़ी संभालने वाले के ऊपर जो है बात होती है, तो इन्होंने बिल्कुल यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि रस्ट लगने नहीं लिए, पूरा क्लीन श्लीन करके जो है वो गाड़ी को रखा हुआ है। यहाँ तक कि जो नीचे वाली साइड होती है ना, यहाँ आप लोगों को अंदाजा है कि यहाँ रस्ट वगैरह आ जाती है, ये वाली साइड हो गई, नीचे की साइड हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है वो रस्ट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। बाकी अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे चल के बातचीत कर लेते हैं और मालूम करते हैं भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब रखा है और गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सादेन, सादेन की जो है ये गाड़ी है, सादेन को सब लोग अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं, तो सादेन की गाड़ियाँ मैं ऐड करता रहता हूँ। सादेन कैसे हो सबसे पहले? तो ठीक ठाक, मैं अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं, आप अपने कज़न की शादी में गए, आपको मज़ा आया घूमने फिरने में? हाँ, अच्छी खासा मौसम है यहाँ, तो बहुत गर्मी है भाई। अच्छा, के तो ये गाड़ी वहीं से घुमा फिर आके ला रहे हैं आप? ये नहीं, ये यहीं खड़ी थी। अच्छा, यहीं पर ही थी गाड़ी। तो फाइनली अभी ये गाड़ी जो है वो सादेन के पास तैयार हुई, तो मैंने बोला चलो यार ऐड करते हैं सादेन की गाड़ी। आप लोगों को पता है मैं दिखा रहा होता हूँ सादेन, इस गाड़ी के बारे में हिसाब किताब बताओ, इंजन से सस्पेंशन से क्या हिसाब किताब है? इंजन सस्पेंशन से माशाल्लाह गाड़ी हर चीज़ से बेहतरीन है। टायर वायर का काम था वो मैंने डलवा दिए गाड़ी में, अभी कोई काम नहीं है मेजर गाड़ी। ठीक है, यानी कि टायर वगैरह भी गाड़ी के जो है वो आपने चेंज करवा दी। इसकी बात करें हम लोग एसी वगैरह की, तो कैसी है गाड़ी है? एसी वगैरह भी बेहतरीन है माशाल्लाह, चलने में कोई हीट वगैरह मतलब नहीं होती एसी पे, भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जी। चिल वाला है सीन है ना? जी चिल वाला सीन है, एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल है, बेहतरीन है बिल्कुल, मतलब आप ले और चलाएं। ठीक है, यानी कि लेके चलाने को काम हमें करवाना? नहीं नहीं कोई काम नहीं। ठीक है, बाकी इसकी हम लोग बात करें एवरेज की, क्या एवरेज वगैरह करती है? एवरेज ये मैंने अभी नोट किया है, थोड़ा सा 14-15 तक का, जहाँ तक मेरे को जी। ठीक है, तो भाई 14-15 का जो है वो गाड़ी का एवरेज है। बाकी हज़ार सी सी जो है ये गाड़ी है। और पेपर्स की बात करें, नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट्स टैक्स हर चीज़ क्लियर है, सीपीएलसी वगैरह क्लियर है। सेकंड या थर्ड ओनर गाड़ी होगी, सेकंड या थर्ड ओनर है। और तकरीबन कितना चली हुई है गाड़ी? नोट नहीं किया है। तो 2006 का मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा चली हुई होती है गाड़ियाँ, मीटर मेरे ख्याल से एनालॉग होता है, वो दोबारा घूम जाता है। मैं देख के आपको बता दूँगा। चलें खैर, लाख से नीचे लाख से ऊपर ही होगी,
लाख से क्रॉस ही होगी ना भाई, लाख से क्रॉस ही होगी। बाकी 25-30 हो सकता है। अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, जो होते हैं गाड़ी के पैसे। तो साजन क्या आपने पैसे रखे गाड़ी के? पैसे एहसान भाई 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए, तो 7.5 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 2006 के आखिरी महीने की जो है ये गाड़ी है, दिसंबर की गाड़ी है जी। बाकी हमारे व्यूवर्स के लिए सर, आपके व्यूवर्स के लिए हम दे देंगे 7,10,000 रुपए। 7,10,000 रुपए जी, 7,10,000 बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है साजन के पास जब मैं आता हूँ तो मैं डिस्काउंट लेके जाता हूँ और अच्छा खासा लेके आता हूँ। फाइनल साजन देखो यार, हमारी जो व्यूवरशिप है ना वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें मोहब्बत करते हैं लोग, देखते हैं तुम्हारी गाड़ी का यार साजन क्या ला रहा है। आपसे भी उनको थोड़ी सी फिर मोहब्बत होनी चाहिए ना, मेरे से आके वो और ऐसे कम करवा के जाते हैं आपके नाम पे। यकीन करें कितनी गाड़ियों रेट टू रेट भी दिए मैंने। अच्छा, रेट टू रेट भी आपके आते हैं एहसान भाई के, हम कम कर दें। कितने तो ऐसे आते हैं कहते हैं कि एहसान भाई को हम जानते हैं, हमारे भाई जैसे हैं, उन्होंने हमें भेजा है, बोला इतने की दे देगा। इस तरह भी आते हैं भाई। आप सब हमारे भाई हैं, बस देख लीजिएगा, साजन को कॉल कर लीजिएगा, जो हो सकेगा वो कर देगा। अभी कैमरे पे इसलिए कम नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है जाहिर सी बात है, बंदा जब बात करता है तो फिर और नेगोशिएट वगैरह करवाता है। अपना नंबर शेयर साजन फाइनल कर ले, आप आपके सामने 7 लाख रुपए की दे दूंगा मैं गाड़ी। अच्छा, 7 से नीचे मतलब आप फिर नुकसान है, खुद समझा ले अपने व्यूअर्स को जरा, खुद ही चले। 7 तक तो अभी कर दिए साधन ने, फिर देख लीजिएगा। ये देखो मेरी पब्लिक, मेरी पब्लिक जो है वो जिंदाबाद है, मुझे पता है वो निकलवा लेगी कुछ ना कुछ भी चाहिए। साधन अपना नंबर बताओ। 0314-0314-211-211-9056-9056 जी। तो ये साधन का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पुराना गोली मार पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। एसी वगैरह ऑन है भाई कुछ बताओ। ये आप लोग चेक करें, अंकल जो है वो आए हुए हैं और टायर की पॉलिश सेल कर रहे हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई ये हमारे अंकल होते हैं जो टायर की पॉलिश वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सब लोगों को सेल कर रहे होते हैं। तो अंकल हमने भी आज आपसे फाइनली एक जो है वो परचेज कर ली। और बाकी ये रिजल्ट, रिजल्ट की बात करें तो ये रहा भाई रिजल्ट, और ये अभी अभी जो है वो लगाई है। अच्छा अंकल, अगर किसी और को वैसे भी चाहिए हो तो आपसे कॉन्टेक्ट हो सकता है? अच्छा नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है अंकल? अच्छा, किसी पे भी लगा दें, इस पे लगा दें, उस पे लगा दें। अच्छा, ये जिन भाई की गाड़ी है वो खड़े हैं क्या? अच्छा नहीं खड़े अंकल, तो ये देखें भाई आप लोग कुछ भी ना करें, हो गया काम तमाम। बॉडी भी मारेंगे, बॉडी क्यों देगी, पीछा साफ हो जाएगा। अच्छा कुछ खराब तो नहीं होगा ना, कलर वाला कुछ भी? नंबर लिखा हुआ है। चलें तो भाई ये अंकल का नंबर है, अगर किसी को जो है वो ये पॉलिश चाहिए हो, मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर लूँ। हाँ ये आ गया। तो भाई ये आप लोग जो है वो देख लें, 0312592596, तो ये अंकल का नंबर है। चलें अंकल शुक्रिया बहुत बहुत। 2013-2018 की हाईजेट अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो भी हमारे हजरात थे जो बोल रहे थे हसन भाई आप हाईजेट जो है वो आजकल ऐड नहीं कर रहे हो, सो बेसिकली वजह ये है हाईजेट ना ऐड करने की, भाई आजकल अंकल आ नहीं रहे हैं। जो आपको पता है मैं अंकल की गाड़ियों की वीडियो ज़्यादा डालता था, उनकी वीडियो बनाने की वजह ये थी कि यार वो जो चीज़ होती थी बता के जो है वो देते थे। लेकिन आज जो हमारे जिन भाई की ये गाड़ी है वो भी जो है वो अच्छी गाड़ियाँ वगैरह सेल करते हैं, तो मैंने बोला चलो यार उनसे आप लोगों को जो है वो आज मुलाकात करवाएं, उनके बारे में भी जो है वो थोड़ा बहुत बताएं। तो इस गाड़ी की अगर बात करूं तो आप लोगों ने साइडें वगैरह देखी, गाड़ी की जो है वो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह या डेंट्स वगैरह कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा गाड़ी पे। फ्रंट पे जो है वो गार्ड वगैरह लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, नॉर्मली व्हील कैप वगैरह गाड़ी के अंदर डले हुए। टायर्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में टायर्स वगैरह आप लोगों को जो है वो मिल जाते हैं गाड़ी के। तो चलते हैं ज़रा बैक साइड वगैरह से भी गाड़ी जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि बैक साइड से जो है वो गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को जो है मिल रही है। तो फ्रंट से तो लुक आप लोगों ने गाड़ी के जो है पूरे देख ही लिए हैं, बाकी बैक साइड पे आ चुके हैं, बैक साइड पे देख लें गार्ड वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को साफ सुथरी नज़र आ रही होगी, यानी कि यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बाकी देखें हल्के फुल्के जो होते हैं ना, जिसको माइनर हम स्क्रैचेस बोलते हैं, वो बच्चों की शरारतें होती हैं, वो तो हर गाड़ी पर आप लोगों को जो है मिलती हैं। चलते हैं अब चल के गाड़ी का ज़रा जो है वो इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं कि इंटीरियर से जो है वो गाड़ी कैसी रखी हुई है भाई ने। तो यहीं से हम लोग जो है वो इंटर हो जाते हैं पैसेंजर साइड से और गाड़ी आप लोगों को जो है वो दिखा देते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लें दरवाजे, तो दरवाज़ों की अगर बात करें तो देख लें इसकी डोरियाँ वगैरह कम्प्लीटली आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी, यानी कि डोरियाँ वगैरह जो है वो क्लियर हैं गाड़ी की। नीचे से आप लोग देख लें यहाँ पर रस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी में। गाड़ी के डोर पैनल्स की अगर बात करूँ, डोर पैनल्स वगैरह गाड़ी के जो है वो क्लियर हैं। इसके अलावा पिलर्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से आप लोग चेक करें सीले वगैरह क्लियर आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों को दिख रही हैं। पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को गाड़ी का जो है वो दे रहा हूँ कि गाड़ी किस तरीके से जो है वो मौजूद है। बाकी अंदर आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात कर लेते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का साफ़ सुथरा है, इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग वगैरह जो है वो नहीं है, यानी कि यहाँ से गाड़ी क्लियर है। नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हुए हैं गाड़ी के अंदर। बाकी इसी तरीके से सीट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, सीट्स वगैरह भी जो है वो कंपनी वाली जो सीट कवर्स वगैरह होती हैं उसी तरीके से गाड़ी पूरी मेंटेन है, साफ़ सुथरा जो है इन्होंने रखा हुआ है। बैक साइड पे चलते हैं, यहीं से हम लोग बैक साइड पे आ जाते हैं, तो कंपनी फिटेड स्ट्रेट सीट जो आती है इसके अंदर वो आप लोगों को मौजूद यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी अंदर से हम लोग थोड़ा सा पिलर्स वगैरह भी आप लोगों को जो है वो गाड़ी के दिखा दें, तो ये आप लोग चेक कर लें, पिलर्स वगैरह भी गाड़ी के आप लोगों को साफ़ सुथरे जो है वो नज़र आ रहे होंगे।
सो एक कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो है वो यहाँ से दे दिया है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मालूम करते हैं गाड़ी का क्या हिसाब है। वो इंजन की तरफ आ चुके हैं गाड़ी के और इंजन रूम भी आप लोगों को जो है विजिट करवा दें। इसका इंजन रूम किस तरीके से जो है मौजूद है, तो ये आप लोग जो है वो पहले साइडें वगैरह देख लें। इसकी बेसिक ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से जो है वो देखी जाती है और एक फ्रंट से देखी जाती है। दो जगह से गाड़ी ज़्यादातर जो है वो चेक होती है। बाकी आप लोग ये देख लो, सारे बॉर्डर्स वगैरह देखो गाड़ी के, बाकी इंजन की कंडीशन है वो यहाँ से आप लोग देख लो। अच्छा, इसके अंदर हम लोग मेन चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर ऑयल की कोई लीकेज मुझे यहाँ से जो है वो नज़र नहीं आ रही है, यानी कि ऑयल वगैरह कहीं से भी लीक नहीं है गाड़ी में। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड में आएँ तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देखने थोड़ी गर्म हो रही है। यहाँ से भी मैं आप लोगों को जो है एक व्यू दे रहा हूँ कि गाड़ी किस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग सेंटर की जो गाटरी होती है, यानी कि साइडों की दोनों तरफ से जो है वो गाड़ी की आप लोग गाटरी भी देख लें। सो गाड़ी जो है वो आप लोग फ्रंट साइड से भी देख लें। यहाँ से मैं आप लोगों को फ्रंट की साइडें वगैरह भी दिखा रहा हूँ, ये सारा आप लोग चेक कर लें। गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, यानी कि यहाँ पर भी कोई रस्ट वगैरह नहीं। सारे कंपनी के स्टिकर्स वगैरह गाड़ी के अंदर आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें लगी हुई जो है वो नज़र आ रही होंगी। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं आसिम, और आसिम की जो है ये गाड़ी, आसिम को आप लोग जानते होंगे। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं आसिम, और आसिम की जो है ये गाड़ी है। सर, हमने गाड़ी तो जो है वो टोटली दिखा दी है, बाकी आसिम भाई आप लोगों को लोग जानते हैं ऑफ़र के नाम से। अच्छा, तो आज कोई ऐसी ऑफर निकाल दें कि मतलब तबाही हो जाए, आग लग जाए मार्केट में कि बस यार ये गाड़ी लेनी है। सबसे पहले मैं डिटेल बता दूँ इसकी। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूवर्स को। तो भाई डाई 800 आई जेड है, 2013 मॉडल है, 2018 की रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है। उसके अलावा इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर है, CPLC क्लियर है, हर चीज़ से गाड़ी क्लियर है। और ये बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल गाड़ी है, अंदर से भी बाहर से भी फुल ओरिजिनल गाड़ी है। किसी से भी आप इंस्पेक्शन करवा लें, कोई इंस्पेक्शन टीम लेकर आए, मैकेनिक डेंटर पेंटर, आप किसी से भी चेक करवा लें, फुल ओरिजिनल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर। और इंजन इसका जो है वो अपना इंजन है, और ये ओरिजिनल चली भी है फैमिली यूज में, कमर्शियल यूज में। कितना चली बताइए आपने मुझे? ये 1,60,000 समथिंग चली हुई ओरिजिनल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आके पाकिस्तान में 80 हो जाती। अच्छा आसिम, थोड़ा सा यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादातर यहाँ पर ये करते हैं कि बहुत सारे लोग पीछे करवा देते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहूँगा कि जो बाहर से चल के आती हैं वो तकरीबन लाख से ऊपर चली हुई होती है। 10,000 तो कम से कम चली हुई आती है, और कोई बहुत अच्छी हो ना गाड़ी आ जाए तो 80,000 होती है, इससे कम चली भी नहीं आती है। लेकिन वो बहुत कम होती है, बहुत कम, रेयरली। यानी कि जैसे आपको जो नया मॉडल होगा ना 18-19 का, मतलब जो 2-3 साल पुराना, वो आपको इतना मिलेगा, वो भी 80-90, मतलब लाख तो कहीं नहीं, कम से कम चल कर आती है। चलें बाकी आप आगे बताएं सर। अच्छा भाई, गाड़ी बाकी आपने दिखा दी, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, बहुत अच्छी इसकी बॉडी, बहुत अच्छी कंडीशन में, आपने वीडियो में देख लिया होगा। जो इसके हम डिमांड है वो है 14,80,000 पे, बाकी जो कोई आएगा तो थोड़ी बहुत नेगोशिएबल। आज आपने ऑफर ही नहीं निकाली कोई, अब हम क्या करें भाई? यकीन मानो आप पूछ रहे थे इतने इंडस्ट्री से, कहा थे गाड़ियां मिल रही नहीं है, और हम लोग आपको पता है अच्छी नस्ली गाड़ी लेते हैं, भले महीना लगे 2 महीने लगे तो सर्च करके ढूंढते हैं। इसके अलावा ये पूरी यानी कि अच्छी गाड़ियां लाते हैं, अच्छी गाड़ियों के अलावा नहीं लाते। आपको आपने लगा के देखा होगा, जो आगे पिछली वीडियो में जितने में भी हम आए, आप जाके चेक कर लो, कोई हल्की गाड़ी आपको मिले तो आपको जो बोलोगे। तो भाई ये भाई हमारे जब आते हैं तो लाते हैं अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी के अलावा नहीं लाते। बाकी फिर भी ये देख लीजिएगा, जो निगोशिएट वगैरह होगा कभी ड्राइवर के लिए तो अच्छा कर दे, अच्छा है जो है वो हो जाएगा। इसके अंदर अपना नंबर ऐड कर दिएगा, 03112129100, और दूसरा नंबर है 03002453251। ठीक है, तो ये जो है नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देख कहाँ सकते हैं गाड़ी? ये ड्रिग रोड अल हैदर सोसाइटी है, एयरपोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे आप आएंगे, तो जो कॉल करेंगे आपको मैं समझा दूँ। इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग, ठीक है, रिव्यू तो हम करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारे मिल गए हैं भाई कुछ सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि भाई बहुत तगड़े वाले जो है वो सब्सक्राइबर हैं। नबी बख्श साहब हमारे साथ जो है मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग पहले मिल चुके हैं, लेकिन वीडियो के लिए जो है वो आज आप लोग हम लोग ही मौजूद हैं, ठीक है? आज वाली वीडियो लाजमी आप लोगों ने देखनी है। चलें अल्लाह हाफिज़। खुश रखें नादर भाई को मेरा सलाम वीडियो के जरिए भी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 90,000 वाले क्या 90,000 की सिविक है? 90,000 की सिविक, सस्ती तरीन सिविक देने वाले को भी सलाम। चले, और शादी की भी मुबारक हो। अरे शादी की भी मुबारक। इरशाद भाई देख लो आप लोगों को जो कितने चाहने वाले। अरे क्या बात है, दिखाऊंगा मैं इरशाद को ये वीडियो। चले अल्लाह हाफिज़। सलाम, बिल्कुल सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चले नादिर भाई को बहुत बहुत सलाम दीजिएगा। देख लें कितना हम आपको। अरे सर क्या बात है, आपकी मोहब्बत है सर। तो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो भाई हमारे जितने भी सिटी वाले हजरात थे जो बोले थे हसन भाई सिटी जो है वो ऐड कर लिएगा। 2010 का ये मॉडल है, और आप लोग की गाड़ी जो है वो निकाल ली है, ढूंढ के चलें जी इस गाड़ी को जो है हम लोग देखते हैं। पूरी गाड़ी जो है ये जेन्युइन बता रहे हैं, कोई पीस वगैरह गाड़ी का टचअप नहीं बता रहे। बाकी एक जाहिर सी बात है, अभी मैं बातचीत करूंगा तो और मजीद मालूम जो है वो आप लोग को दे दूंगा। खैर भाई हम लोग जो है गाड़ी की तरफ वापसी आए थे, भाई से हमने बोला कि भाई थोड़ा इनसे आवाज़ कम कर ले, लेकिन भाई बोलने के नहीं यार आप जो है वो ऐसे ही बनाओ,
करना हो, हमारा काम है, हमारी मर्जी, हम आवाज़ ज़्यादा रखें कमरे के। खैर हम गाड़ी की तरफ जो है तवज्जो दे लेते हैं, हमने माइक पे काफ़ी खर्चा कर रखा है तो इसकी आवाज़ काफ़ी कमी आ रही होगी आप लोगों को। सो गाड़ी की साइडें वाइडें आप लोग जो है वो देखें मेरे साथ साथ, मैं कोशिश करूँगा कि भाई इस गाड़ी का जो है वो रिव्यू थोड़ा सा जल्दी जो है वो निपटा दूँ, ताकि जो है वो ऐसा भी ना हो कि भाई कॉपीराइट वगैरह का कोई इशू वगैरह जो है बने। तो फ्रंट से गाड़ी जो है वो आप लोगों ने देखी, इसी तरीके से गाड़ी की जो है वो बैक साइड पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से भी आप लोग सारी साइडें वगैरह जो है वो चेक कर लो। इसके अलावा अगर हम लोग लाइट्स वगैरह की बात करें गाड़ी की दोनों, तो लाइट्स वगैरह भी गाड़ी की जो है वो क्लियर नहीं। तो नॉट आउट पहली बात तो ये कलर काफ़ी मुश्किल से जो है मिलता है मार्केट में, कभी कभार जो है नज़र आता है, तो मैंने बोला क्यों ना ऐड कर लिया जाए आप लोगों के लिए। सो यहाँ से भी जो है वो आप लोग दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो देख लो गाड़ी की, बाकी ओवरऑल पूरा व्यू दे रहा हूँ। बाकी एक जाहिर सी बात है जब मैं बातचीत करूँगा जो गाड़ी के ऑनर हैं तो उनसे अच्छे से जो है वो सारी बातचीत हम लोग कर लेंगे और सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो गाड़ी की ले लेंगे। तो यहाँ से जो है वो आप लोग चेक करो, राइट हैंड साइड पे जो है वो हम लोग आ चुके हैं। इसका इंटीरियर वगैरह गाड़ी का जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि इंटीरियर से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो अनलॉक करवा लेते हैं गाड़ी से। तो यहाँ से भी गाड़ी में आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा दूँ, ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। गाड़ी के दरवाजे वगैरह जो है वो आप लोग चेक करें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो आप लोग चेक करें। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के डोर पैनल्स वगैरह की, तो डोर पैनल्स वगैरह गाड़ी के आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें। बाकी नीचे की साइडें वगैरह जो है देखना, अच्छा प्रोटेक्शन की नहीं, यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा जो पेपर वगैरह भी लगाया हुआ है। इसके अलावा सीट्स वगैरह की अगर बात करूँ, सीट्स वगैरह जो है वो आप लोग देखने क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। डैशबोर्ड वगैरह की बात करें हम लोग, तो यहाँ से डैशबोर्ड वगैरह भी जो है वो गाड़ी का आप लोग एक नज़र जो है देखना है। एलसीडी पैनल वगैरह आप लोगों को जो है नज़र आ रहा होगा। तो एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। बैक साइड का भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से दरवाजे वगैरह आप लोग साइडों की जो है वो चेक कर लें। बाकी इसी तरीके से जो है वो बैक साइड की सीट वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग एक नज़र देख लें। अब चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देख लेते हैं कि भाई इंजन रूम से जो है वो गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है वो मिलती है। तो गाड़ी के इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम भी आप लोगों को जो है एक नज़र दिखा दें। तो आप लोग साइडें वाइडें जो है वो चेक करो, यहाँ से गाड़ी देखो, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लो। बाकी हम लोग बात करें गाड़ी के कुप्पों की, तो कुप्पे भी मैं आप लोगों को नज़दीक से जो है वो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से भी गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर लो। बैक की शील्ड वगैरह जो है वो एक नज़र आप लोग गाड़ी की जो है वो देखें, और इसी तरीके से दूसरी साइड के कुप्पे की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं, तो भाई यहाँ से भी गाड़ी आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। तो कोशिश मेरी यही होती है भाई गाड़ी आप लोग को अच्छे से दिखा दूँ, जहाँ जहाँ से मैं दिखा सकता हूँ वो कोशिश करके पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मजीद मालूम जो है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई, उसामा भाई की जो है गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो कम्प्लीटली दिखा दी है, ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह दें गाड़ी कैसी है। डिटेल ये है, 2010 का मॉडल है, होंडा है, और दूसरी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। हल्का फुल्का टचअप होगा तो होगा, बाकी 61,000 चली हुई है ना। ठीक है, हल्का फुल्का टचअप का मतलब कोई पीस टचअप या फिर कलम टचअप? हल्का फुल्का बस कलम टचअप। हाँ हल्का फुल्का, वो भी पीछे हुआ होगा बैक साइड पे। बैक साइड पे बाकी पूरी ओरिजिनल है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, 61,000 चली हुई है गाड़ी। ठीक है, कौन सी 1300 सीसी है सर ये? 1300 सीसी है। और क्या एवरेज वगैरह करते हो? 12-13-14 देती है सिटी में। ठीक है, 12-13-14 का एवरेज दे देती है गाड़ी। डॉक्यूमेंटेशन में आप बता रहे हैं नंबर प्लेट, सीपीएलसी, सब कुछ क्लियर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, क्लियर है, सही है सर। पैसे क्या बोले सर आपने? पैसे मैं आपके लिए, आपके सब्सक्राइबर को मैं ये कर दूंगा 1800 की। 1800 वैसे इसकी डिमांड है जी, वैसे इसकी डिमांड है 1925-1930। आपके उससे कोई कॉल करेगा तो मैं उसको मैं 1880 में दे दूंगा, बम्पर टू बम्पर। 18,80,000 रुपए में ये गाड़ी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी हमारे सब्सक्राइबर के लिए भाई जो ये बोल रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात रही गाड़ी के पीस के, शावर की या टचअप की, जब आप कॉल करें तो आप अच्छे से जो है वो डिटेल्स वगैरह ले लिएगा। गाड़ी कराची में कहाँ देख सकते हैं? नाजमाबाद एक नंबर। ठीक है, नाजमाबाद एक नंबर पे ये गाड़ी देख सकते हैं। सर अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, 03172750851। ठीक है, ये जो है भाई का नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलें शुक्रिया बहुत बहुत। मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है, 2018 का जो है ये मॉडल है। तो मेहरान वाले भाई हमारे जो भी हजरात थे जिन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा भाई मेहरान जो है वो ऐड कर दीजिएगा, तो ये गाड़ी जो है आप लोग देख लें। तो हल्का फुल्का टचअप है गाड़ी पे, बाकी ये कि जो गाड़ी के ऑनर हैं जब उनसे बातचीत करूँगा तो और मजीद डिटेल्स वगैरह आप लोगों को गाड़ी की जो है वो दे दूँगा। हाल फिलहाल गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, फ्रंट साइड से गाड़ी सबसे पहले मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ। तो दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की जो है वो देख लें, बम्पर्स वगैरह गाड़ी की जो है वो आप लोग देख लें, आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रहे होंगे, इसमें कोई स्क्रैचेस या डेंट्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से रूफ वगैरह भी गाड़ी की जो है वो क्लियर है। यहाँ से आप लोग जो है वो दूसरी साइड भी गाड़ी की जो है वो देखें, टायर वगैरह देख लें आप लोग, अच्छी कंडीशन में जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग टायर की ग्रिप्स वगैरह जो है वो गाड़ी की चेक करें। चलते चल के गाड़ी को जो है वो बैक साइड से भी देखते हैं कि भाई गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से मौजूद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को नॉइज़ आ रही होगी, वो भी जो है पीछे मशीन चलती है ना अपनी, तो इस वजह से बाकी कोई ऐसा वो इशू नहीं है, ये हमारा माइक जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। आप लोग बैक से दोनों लाइटें वगैरह जो है वो गाड़ी की चेक कर लें, बम्पर देख लें, इसी तरीके से गाड़ी की रूफ बैक साइड से भी आप लोग देख लें। तो एक कम्प्लीटली व्यू मैंने आप लोगों को यहाँ से भी जो है वो दे दिया है।
अब चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं, गाड़ी का इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। तो दरवाजे आप लोग जो है वो चेक कर लें, गाड़ी की सीलें वगैरह देख लें दरवाज़ों के अंदर से। बाकी आप लोग जो है वो गाड़ी का इस तरीके से अगर मैं बात करूँ गत्तों वगैरह की, तो गत्ते वगैरह भी क्लियर आप लोगों को साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप लोग गाड़ी की फुटपारियाँ चेक करें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स वगैरह जो है वो आप लोग देख लें। बाकी अगर बात की जाए गाड़ी के यहाँ से सीट्स वगैरह की, तो वो सीट्स वगैरह भी गाड़ी की जो है वो आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। डैशबोर्ड जो है वो गाड़ी का आप लोग जो है वो चेक कर लें, साफ़ सुथरा जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो एक ओवरव्यू यहाँ से भी दिया मैंने आप लोगों को, बैक साइड का डोर देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई गाड़ी का बैक डोर किस तरीके से है। सो जैसे जैसे शाम होती आती है भाई, थोड़ा सा जो है वो बंदा आवाज़ जो है उसकी चेंज होती आती है, क्योंकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। थोड़ी देर में बैठा भी, लेकिन ये कि अब फाइनली मैं दोबारा मैंने बोला चलो यार वीडियो तो कंप्लीट करनी है आप भाइयों के लिए। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को इंटीरियर भी दिखा दिया, अब गाड़ी का इंजन रूम हम लोग देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। सो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। तो इंजन रूम में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो फ्रंट शो पट्टी वगैरह की, तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से आप लोग देख लें, फ्रंट से क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। कॉर्नर से मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ तो ये सारी साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग देखें। कुप्पे आप लोग जो है वो गाड़ी के यहाँ से जो है वो एक नज़र देख लें, नज़दीक से दिखा रहा हूँ। बैक की शील्ड वगैरह की अगर बात करूं तो यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह आप लोगों को जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, टिकली वगैरह लगी हुई है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर पप्पा भी आप लोग यहाँ से देख लें। बाकी एक ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। और एक ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ से आप लोग एक पूरा ओवरव्यू ले लें गाड़ी का कि इंजन रूम आप लोगों को किस तरीके से मिलता है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मज़ीद मालूमात दे देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुमताज़ साहब जिनकी ये गाड़ी है। सर हमने गाड़ी तो जो है वो दिखा दी है, बाकी डिटेल्स वगैरह बताएं सर गाड़ी के बारे में। गाड़ी हल्की फुल्की टचअप है, DX है और 18 का मॉडल है और ये सब लोग कंपनी फिटेड है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, चलने में अच्छी, इसकी ड्राइव है, टायर वायर नए हैं और इसकी 10.25 लाख रुपये डिमांड करता है। ठीक है, यानी कि गाड़ी हल्की फुल्की टचअप का मतलब हम शावर बोलें क्या इसका मतलब सीन निकलेगा? टचअप इसको बोले, हल्के फुल्के एक दो पीस जो होंगे वो टचअप होंगे इस गाड़ी के अंदर, बाकी ये कि गाड़ी में कोई काम वगैरह नहीं, इंजन से सस्पेंशन से हर चीज़ से जो है वो गाड़ी ओके है। रूम आपके सामने पड़ा है 0 मीटर की तरह। ठीक है, ऑनर कितने बताया सर आपने? फर्स्ट ऑनर है, बैंक फर्स्ट ऑनर जो है ये गाड़ी है। और पैसे एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा, 10.25 लाख रुपये डिमांड। 10.25 लाख रुपये, तो 10.25 लाख रुपये गाड़ी की डिमांड है। बाकी ये जाहिर सी बात है जो कमी पेशी वगैरह होगी निगोशिएट होगी, जब आप कॉल करेंगे तो आप अच्छे से बातचीत कर लीजिएगा। अपना नंबर शेयर कीजिएगा सर, 0302-23-54-634। और कराची में कहाँ देख सकते हैं सर ये गाड़ी? गुलिस्तान जौहर में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। बलिनो अभी हम लोग के पास मौजूद है 2005 का मॉडल। तो भाई जो भी हमारे हजरात हैं जिन्होंने बोला था ऐसा भाई बलिनो जो है वो ऐड कर दीजिएगा, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें। ऊपर से गाड़ी जो है वो पेंट है, अंदर से जो है वो जेन्युइन बता रहे हैं। बाकी अभी देखेंगे हम लोग जब गाड़ी खोल के देखेंगे तो फिर और अच्छे से आप लोग को जो है वो गाइड कर देंगे। तो फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट व्यू आप लोग जो है वो एक नज़र चेक कर लो, दोनों लाइट्स वगैरह देख लो, ग्रिल देख लो, बम्पर वगैरह जो है देख लो बेटा एसन शाह। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं ज़रा जो है वो गाड़ी को एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। सो अलॉय रिम वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। बाकी आप लोग यहाँ से जो है वो साइडें देख लें, यहाँ पर कोई स्क्रैचेस वगैरह ये डेंट्स वगैरह नहीं है, फ्रेश ही जो है इन्होंने कलर करवाया हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही करवाया होगा। बाकी जिस भाई की ये गाड़ी है वही वाले भाई हमारे जिन्होंने 90,000 की सिविक बेची थी। आज एक अंकल भी मिले थे, तो भाई अंकल मैंने आपका सलाम जो है वो इर्शाक को कह दिया था और इर्शाक खड़ा हुआ आप लोगों को नज़र आ गया होगा। यहाँ से आप लोग बैक व्यू भी गाड़ी का जो है वो चेक कर लो, दोनों लाइट्स पे जो है वो टिंट पेपर वगैरह चढ़ा हुआ है, यानी कि ओवरऑल इन्होंने अपने हिसाब से गाड़ी जो है वो मेंटेन रखी हुई है, साफ़ सुथरी जो है वो रखी हुई है। तो ये तो हो गई बॉडी वाइज बात, आप चलते हैं ज़रा गाड़ी का जो है वो हम लोग इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं कि भाई इंटीरियर से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। यहाँ से हम लोग इंटर हो जाते हैं, भाई इंटीरियर दिखा देते हैं आप लोगों को। सो दरवाजे वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की देखें, इसके अलावा गत्ते वगैरह देख लें गाड़ी के। बाकी बात करें हम गाड़ी के पिलर्स वगैरह की, तो पिलर्स भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ। सो मेरे साथ साथ ही भाई ये आप लोग जो है वो चीज़ें देख लें। बाकी अंदर से इंटीरियर की अगर बात करें तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का जो है वो कंप्लीट है, ऊपर मैट वगैरह लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। सीट्स की अगर हम लोग बात करें गाड़ी की, तो सीट कवर्स वगैरह आप लोग देख लें मेंटेन हुए हैं, इसके अंदर जो है वो इन्होंने रेगजीन वाले सीट कवर्स डाले हुए हैं। बैक साइड से मैं आप लोगों को गाड़ी जो है वो दिखा देता हूँ, तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग चेक कर लें, यहाँ से साइडें वाइडें जो है वो देख लें। बाकी एक भाई अंदर बैठे हैं, मैं भाई फ़ोन वोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस गाड़ी का फ़ायदा है कि अंदर बैठ के आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, गाड़ी तो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली अंदर से दिखा दी है, इसका चलते हैं चल के जो है वो इंजन रूम देख लेते हैं, इंजन रूम गाड़ी का जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलता है। तो भाई संडे कार मार्केट में बाइक जो है वो सेटिंग हो रही है बाइकों की, तो चलते हैं ज़रा जो है वो इसका इंजन रूम खोल लेते हैं। भाई नादिर भाई यहीं कहीं होंगे, तो यहाँ से मैं आप लोगों को जो है वो
इंजन रूम भी दिखा दूँ तो फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग देख लें। गाड़ी भाई यहाँ से बाइक चली गई, ट्यूनिंग हो गई उसकी, अब यहाँ पर हम लोग आए थे अपनी गाड़ी की तरफ वापसी, तो आप लोग फ्रंट से जो है वो चेक कर लें, फ्रंट की जो पट्टी वगैरह होती है गाड़ी की वो आप लोग को पहले मैं दिखा दूँ, फिर इसके बाद बात करें हम लोग गाड़ी की साइडों वगैरह की। तो यहाँ से आप लोग साइड्स वगैरह जो है वो गाड़ी की पूरी जो है वो देखें, बाकी इसी तरीके से बैक की शील्ड वगैरह भी जो है वो गाड़ी की आप लोग देख लें, दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोग देखें, यानी कि ओवरऑल यानी कि मैंने गाड़ी आप लोग को यहाँ से इंजन रूम से भी दिखा दी है। अब चलते हैं और अर्शक से बातचीत करते हैं क्या पड़ता है इसके अंदर भी कोई अच्छी ऑफर आप लोग के लिए जो है वो निकाल। हमारे साथ मौजूद हैं इसाक भाई। इसाक तुम्हें सबसे पहले तो अंकल ने एक सलाम किया था हमें मार्केट में। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी अंकल, आपका सलाम यहाँ तक जो है पहुँच गया। अच्छा इसाक बताओ भाई, आज इस गाड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल्स वगैरह दो, क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? ये बलिनो गाड़ी है, 2005 का मॉडल है। गाड़ी में कुछ काम वाम नहीं है, एसी वेसी सब कुछ वर्किंग में, पावर स्टेयरिंग भी है ठीक है और इंजन भी इसका अपना है, फाइल से भी ओके, सेपेलसी सब कुछ ओके, गाड़ी में कुछ काम ठीक है। साहब 1300 सीसी गाड़ी, क्या एवरेज देती है ये? तो हम कराची में चलाते हैं क्योंकि आपको पता ही है एक हफ्ता हमारे साथ घर में होती है गाड़ी, तो हम चलाते हैं, हमें तो ऐसे अंदाज़ा लग रहा है कि 10-11 का तो हमें दे रही है, घूम के आते हैं ना तो ऐसे ही देती है, पर लॉन्ग रोड में दे दी होगी। अच्छा अभी कोई काम ना इसके अंदर? कुछ काम नहीं है गाड़ी ले और चलाएं, ले और चलाएं। चलें जी, तो भाई गाड़ी के अंदर अभी हाल फिलहाल जो है वो कोई काम नहीं है। 2005 की बलिनो मैंने गाड़ी आप लोग को जो है दिखाई, बाकी पैसों पे आ जाते हैं सर, क्या ऑफर दे रहे हैं लोगों को इसके लिए? ये है 6.5 लाख रुपए में डिमांड कर रहा हूँ, कोई आएगा इंशाल्लाह ताला भाई के साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो भाई हमेशा याद रखिएगा जो इसके रेट होते हैं ना भाई, एक बंदा है हमारे पास, इसके रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसको कॉल कर लिएगा जितना हो सकेगा ना, जिसको बोलते हैं ना डेडलाइन, जितना हो सकेगा उसके अंदर जो है वो कमी पेशी वगैरह कर देंगे आप लोगों को। और इसाक जब से ज़्यादा मशहूर है, जब से 90,000 की इन्होंने सिविक सेल करी थी, तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसाक अपना नंबर शेयर करें, 0347-361-4918 ठीक है, ये इसाक का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया इसाक बहुत बहुत। सो शरार्ट अभी हम लोगों को मिल गई है, 1984 का जो है ये मॉडल है। तो भाई जो लोग ढूंढ रहे थे भाई बाइक, तो बाइक ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाइक के रेट में भाई आप लोगों को मिल रही है गाड़ी। गाड़ी की कीमत कर रहे हैं भाई सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड 1 लाख रुपए। तो भाई 1 लाख रुपए में तो भाई मुझे कोई गाड़ी आज मार्केट में नहीं मिली, तो मार्केट की सबसे सस्ती जो गाड़ी है वो यही है आज की। तो गाड़ी में जो काम वगैरह होगा वो कोशिश करूंगा आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूं, बाकी आप लोगों को पता है भाई गाड़ियों के रेट वगैरह क्या हुए हैं। सो ये गाड़ी उन लोगों की नहीं है जो बेसिकली जो जिन लोगों को लेके बनवानी थी गाड़ी, तो ले लें आप लोग, लेके काम वाम करवाएं उसके बाद चलाएं। बाकी भाई से बातचीत हो, भाई बता रहे हैं भाई इंजन विंजन में कोई काम वगैरह नहीं छोड़ा इन्होंने, बाकी बॉडी में जो काम होगा वो आप लोगों के सामने है। अच्छा बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड से थोड़ा जो है वो बेहतर है, बाकी फिर आगे वाली साइडों पर नीचे फुटपानियां वगैरह ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को नजर आ रही होंगी। बाकी देख लें इन्होंने नीचे लाइट वाइट भी डाली हुई है गाड़ी के अंदर। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह करम सर, ये हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए यहीं पर ही, क्या बात है। आपको तो ढूंढ रहे थे यार, चले नंबर मिसप्लेस हो गया भाई। पहले कंटिन्यू करें सर गाड़ी की तरफ, गाड़ी बस यहीं लगा रहा हूँ, बस सेट है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो गाड़ी की तरफ वापसी आ चुके हैं, तो भाई सब्सक्राइबर से भी मिलना जो है जरूरी होता है। गाड़ी जो है वो आप लोग चेक कर लें, एग्जॉस्ट वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो ढला हुआ है। बाकी इसके अलावा हम लोग बात करें गाड़ी की राइट हैंड साइड की, यानी कि ड्राइविंग साइड की, तो यहाँ से भी गाड़ी का एक लुक जो है वो आप लोग देख लो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मगरिब की अजान हो चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि चलो यार जिन लोगों का बजट नहीं था, गाड़ी खरीदने का कम थी बहुत ज़्यादा जो है वो उन लोगों की रेंज, तो मैंने बोला चलो यार ये ऐड कर लेता हूँ। तो गाड़ी जो है वो आप लोग देख लो, जो दरवाजों वगैरह के काम वगैरह हैं वो सब मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ से दिखा रहा हूँ। नीचे की साइडें वगैरह देखो गाड़ी के, पिलर वगैरह जो है वो आप लोग देख लो, बाकी इसी तरीके से फुटपारियाँ वगैरह गाड़ी की जो है वो चेक कर लो। सो ये जो है वो काम होने वाले हैं, ये आप लोग चेक करो, ये सारे जो है वो काम होंगे, ये आप लोगों ने करवाने पड़ेंगे, ये माइंड में जो है वो रखना है। फुट पानी वगैरह यहाँ से आप लोग देख लो, नीचे की साइडें देख लो, बाकी इसके अलावा अब इसका इंजन रूम में आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूँ। इंजन रूम जो है वो आप लोग देख रहे हैं, इंजन रूम किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। सो ये आ गए हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। सो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग चेक करें, कुप्पे वगैरह साइडों वगैरह से आप लोग देख लें, जो कंडीशन है भाई आप लोगों के सामने है। सो बैक की शील्ड वगैरह की बात करूँ तो बैक की शील्ड वगैरह की अच्छी कंडीशन है। अच्छा बॉस ये कहीं खड़ी रही है मेरे ख्याल से पानी वगैरह वाली साइड पर कोई, तो ये पानी वगैरह वाली साइड पे कहीं ऐसी खड़ी रही है जिसकी वजह से ये सारा हिस्सा जो है ना वो आप लोगों को ऐसा नज़र आ रहा होगा रस्सी रस्सी। बाकी इंजन का मुझे ये बताया भाई ने कि भाई इसके इंजन में कोई काम नहीं इन्होंने छोड़ा है। बाकी आप लोग यहाँ से भी देख लें ये वाली साइड, अच्छा ये कॉर्नर बनेंगे, सारे कब्जे बनेंगे इसके यहाँ से बनेंगे। बाकी कुप्पे का जो है वो सीन आप लोग देख लेंगे, थोड़ा साफ ऑफ होगा तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बस अब चलते हैं, ज़रा भाई से बातचीत कर लेते हैं और मजीद मालूम जो ले सकते हैं इस गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें मालूम कर लेते हैं। मोहम्मद सरफराज भाई हमारे साथ जो है मौजूद हैं। सर सरफराज धोखा नहीं देगा ये बात बोली थी पीके ने, तो क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सच्ची है। चलें जी, बिल्कुल आपने धोखा नहीं दिया और आज मार्केट की सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो आप लेके आ गए। तो गाड़ी तो हमने जो है वो दिखा दी है, बाकी आप मुझे बताएं इसके सस्पेंशन या इंजन में कोई काम है? सर इंजन के अंदर कोई काम नहीं है, सही है, बॉडी वाइज के अंदर काम है। बिल्कुल वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया और बाकी सब चीज़ CPLC वगैरह क्लियर है, पेपर क्लियर है इसके, बस
ठीक है, पेपर वगैरह कंप्लीट है, कोई चीज मिसिंग वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, बुक वगैरह या हर चीज जो है वो गाड़ी की क्लियर है, नंबर प्लेट दोनों जो है ओरिजिनल। अच्छा, 1 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, फाइनल डेट फाइनल, तो बिल्कुल फाइनल जो है वो रेट भाई ने मुझे बता दिए थे। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक सेकंड, अब बताएं एक दफा दोबारा नंबर 0312-12-38-336। ठीक है, ये भाई का नंबर है। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? बल्दिया टाउन सईदाबाद। ठीक है, सईदाबाद बल्दिया टाउन में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। फैजान भाई आए हैं भाई मार्केट में, और फैजान भाई ने बोला, फैजान भाई आपने बोला कि आपको वीडियो में ले लिया जाए। मैंने बोला था? हाँ बिल्कुल, आपने ही बोला था, तो आज की वीडियो में आप मौजूद हैं। ठीक है सर, डन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और ढक्कन बंद। सो ये गाड़ी भाई आप लोगों को आज दिन में दिखाई थी, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई 7 दिन की गाड़ियाँ जो है वो जल्दी सेल हो रही होती हैं, और डर यही होता है, मैं बीच में बैठा हुआ भी था गाड़ी में, मेरे सामने पार्टी से बात वगैरह चल रही थी। सो अभी जो है ये गाड़ी सेल हो चुकी है, और सेल कितने की हुई, क्या सीन बना, ये मैं 7 दिन से आप लोगों को क्लेरिफाई करवा देता हूँ। 7 दिन जल्दी से आ जाओ, माइक साइक निकल चुका है, चार्ज वाइज नहीं है मोबाइल में बिल्कुल भी। सर कितने में सेल हुई ये गाड़ी? 680 के बीच, 680,000 रुपये में गाड़ी जो है वापस सेल कर दी। सो और डिमांड हमने हमारे साथ क्या करी थी आपने सर? फाइनल मैंने 7 बोले थे, बाकी आपने कहा था आगे करवा लेंगे, वो आपके भाई सब्सक्राइबर्स की मोहब्बत में हमने कहा था आगे कम कर लेंगे ताकि वो भी खुश हो जाए थोड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। सो भाई ये देख लें, ये जो है वो डिमांड थी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ डिमांड सुना करें उसके बाद बातचीत करा करें, देखें अच्छी ऑफर लगती है तो बंदा आगे पीछे करके गाड़ी दे ही देता है। आपके सब्सक्राइबर थे जो लेके गए? नहीं करें, हमारे सब्सक्राइबर थे यार, देखो आप लोगों की मोहब्बत है ऐसे गाड़ियाँ जो है सेल हो रही होती है। चले मैंने बोला साथ साथ आप लोगों को अपडेट दे दूँ, चले शुक्रिया बहुत। फाइनल दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज की मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो भाई आज की मार्केट थोड़ी हल्की थी, यानी कि इतने ज़्यादा जो है वो लोग वगैरह नहीं थे। अभी से आप लोग देख लो यहाँ थोड़े खाली सा जो है वो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये कि चले सेट था, गाड़ियाँ अच्छी खासी सेल भी हो गई, कुछ गाड़ियाँ रह भी गई। बाकी जिन लोगों की जो है वो कमेंट थी, पूरी कोशिश मैंने यही करी कि भाई आज थोड़ा जल्दी आ गया था और आप लोगों के सामने जिस टाइम मैं आया था कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, 1 या 2, 10 गाड़ियाँ समझ लें अगर पूरा एवरेज लगाएं बाजार में 10 गाड़ियाँ थी, और जब शाम हुई है तो अभी जो आप लोगों के सामने जो है वो पूरी मार्केट आप लोगों को भरी हुई नज़र आ रही होगी। सो कम रेट की जो गाड़ियाँ थी भाई वो ऐड कर लिया, आज की जो सबसे सस्ती गाड़ी थी वो 1 लाख रुपये की थी, देख लिया था आप लोगों ने, उसमें काम वगैरह जो है वो होता है। देखें हमेशा ये याद रखें, जो इतनी सस्ती गाड़ी होगी ना उसमें देखें काम वगैरह होगा। बाकी ये कि कभी कभार ऐसा होता है भाई कोई मौके से भी जो है वो आप लोगों को अच्छी गाड़ी जो है मिल जाती है, तो कोशिश ये करता हूँ कि भाई मेरी तरफ से जो हो सके वो आप लोगों ने जो है वो गाड़ियाँ ज़रूर ऐड कर लूँ। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है तो भाई वीडियो को लाइक करना जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करके जाना है। और अगर आप लोग के किसी दोस्त अहबाब या किसी भाई को जो है वो गाड़ी चाहिए तो आप लोगों ने जो है वीडियो को शेयर करना है, उनको शेयर कर दें, खाली बस शेयर करें, वो खुद ही देख लेंगे कि भाई गाड़ियों के क्या रेट वगैरह चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो। Subscribe below.